हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको लॉ हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में करना चाहिए। हिंदी में करेंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या इसका लॉस है, एज वेल एज इंग्लिश के बारे में बात करूँगा कि क्या आपको प्रॉफिट है और क्या इसमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। एज वेल एज और भी बात करूँगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है आप लॉ करने के बाद, या अपेयरिंग में हो या लॉ आपने कम्प्लीट किया, तो आप प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हो, तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो गाइज, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसको ऑल पे कर लेना, ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएं। तो गाइज, मैं बता दूं कि लॉ जो है आपको हिंदी लैंग्वेज में करना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उसकी पूरी लैंग्वेज की जो नॉलेज है आपको आनी, मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, अच्छे से आपको लैंग्वेज में पकड़ होना चाहिए, समझ होना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले बात कर लेता हूँ गाइस हिंदी लैंग्वेज के बारे में, कि अगर आप लॉ हिंदी में करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगी सुविधा और क्या क्या आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि लॉ अगर हिंदी में करते हैं तो यस, लॉ मतलब हिंदी में करना आसान होता है, क्योंकि आम भाषा, बोलचाल भाषा में हम लोग हिंदी लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, तो वो आपके लिए इजी टू यूज़, मतलब उसमें हैबिटेट होने का एकदम बिल्कुल आप अच्छे से हो जाओगे। और इसके नुकसान की मैं बात कर लूँ तो गाइज देखो, लॉ अगर आप हिंदी में करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी काम होते हैं या जितने भी हियरिंग वगैरह जो कुछ भी होती है, सारी वो इंग्लिश में होती है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिमेरिट हो सकता है कि आप हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप हाई कोर्ट तक ही सीमित रह जाओगे। और दूसरी मैं बात करूँ कि जितने भी लॉ के बुक आते हैं, तो बहुत सारे बुक जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और देखा जाता है कि बहुत सारे जो बुक हैं आपको हिंदी में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं अगर एकेडमिक्स में बात करूँ तो आपको बुक मिलने में, या आप मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको एक दायरा बन जाता है, एक लिमिटेशन बन जाता है, कि अगर आप किसी बुक को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको बुक इंग्लिश में मिल रहा हो लेकिन वो बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मतलब ड्रॉबैक्स को नहीं, मतलब कहूँगा कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। इंग्लिश के मैं बात करूँ, एंड हाँ, हिंदी में ऑफकोर्स आपको हिंदी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगता है कि बहुत ही अच्छा है, फिर उसके बाद जो इसका लेवल है वर्ड का, जो कुछ भी पढ़ने को मिलता है थोड़ा सा वो हार्ड, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा यू नो लेवल उसका बढ़ते ही जाता है। एंड इंग्लिश की बात करूँ तो गाइज ऑफकोर्स इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश ग्रेजुएट, मतलब मैं 3 ईयर्स कोर्स की बात कर रहा हूँ, कि इंग्लिश में पढ़ के आ रहे हो, या तो आपके लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत तो होने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत होगी, आपको बोलने के तरीके में, इंग्लिश को यूज़ करने के तरीके में, तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो, अच्छे से आप यू नो जितनी सारी भी चीज़ें हैं वो आप प्रैक्टिस में भी ला सकते हो। और गाइस, देखा जा रहा है कि इंग्लिश में ऑफकोर्स आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और प्रॉब्लम की मैं बात कर लूँ तो हाँ, जितनी इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, या मैं कहूँ कि वीक है जैसे कि मेरी, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो उस तरह से देखा जा सकता है गाइस इंग्लिश में लॉ करने को। तो या गाइज, आई होप कि ये जो हिंदी इंग्लिश का है, जो जो भी बातें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, क्या मैं लॉ हिंदी में कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स यार आप लॉ हिंदी में कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड गाइज, बात कर लेते हैं कि आपको यू नो कि प्रैक्टिस करना हो, मतलब आप लॉ कंप्लीट कर चुके हैं या आप ये अपियरिंग में हैं, तो सोचें कि यार मैं प्रैक्टिस कैसे शुरू करूँ। तो गाइज, प्रैक्टिस शुरू करने को आपको सबसे पहले होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, BCI में आपको यू नो इनरोलमेंट करवाना पड़ता है, उसकी एक एग्जामिनेशन होती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, हाँ शायद मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बताना कि क्या है वो। एक एग्ज़ाम होता है, वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बहुत ही मतलब कहते हैं कि ईजी होता है काइंड ऑफ, मैंने तो दिया नहीं लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आता है। एंड मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको 4 बार एग्ज़ाम देने को मौका मिलता है, कि हाँ अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो कुछ कारणवश या कुछ जो कुछ भी है, आपको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे, 4 अटैम्प्ट में आई थिंक कि सबका हो ही जाता होगा। एंड दूसरी मैं बात करूँगा, अगर आप यहाँ पे
एग्ज़ाम की लेकर लेते तो जारी जो उससे पहले आपको जो इनरोलमेंट करवाना पड़ता है बीसीआई में, तो उससे पहले आपको सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजने पड़ते हैं, 10th 12th या लॉ की जो डिग्री है, फिर वो आपको बाई पोस्ट वेरीफिकेशन होकर वापस आ जाता है। एंड उसके बाद जो भी आपकी चीज़ें हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी अन्य राज्य में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे मैं बिहार में हूँ या जैसे मैं पटना में हूँ और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ यूपी में, तो मुझे उसका ट्रांसफ़र वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो लेनी होगी। एंड आई होप कि आप जब ये सब जो चीज़ें लॉ करने लगोगे या प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो ये सब सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही आसान लगेगी। अभी सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अरे ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी होगी। तो आई थिंक आपको जितनी भी दुविधा थी, मेरे को यही वीडियो बनाने का मकसद था कि हाँ, लॉ हिंदी वाले इंग्लिश वाले थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न रहता है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए करने के लिए मैंने तो बताई दिया कि हाँ, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको एक एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस वही होता है, हर लॉयर के पास लाइसेंस होता है। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो गाइस जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एज यू नो मतलब बहुत ही नज़दीक हूँ 1K के, और जल्द से जल्द यार मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। और बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।